बारे में होने जा रही है। आपने बैनर में देखा होगा कि ये दो टॉपिक के बारे में होने जा रही है, फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकेंड इज वेल्थ। तो अभी हेल्थ के टॉपिक में हम बढ़ते हैं आगे, तो हेल्थ मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ मतलब हवा पानी और खुराक। हवा पानी और खुराक अच्छा नहीं होगा हमारा तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगर हवा पानी और खुराक अगर अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। तो जो हेल्थ के बारे में आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले, जो आपको हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, उसके लिए उस पर्सन को सुनने के लिए क्या आप इस एक्साइटेड हो, तो प्लीज सेट में यस लिखिए। यस यस तो ये जो मीटिंग होने वाली है ये पूरी धमाके होने वाली है। आपने देखा होगा कि पूरा यंग चैंपियंस लेने वाला है ये पूरी मीटिंग। तो ये पूरी ऐसा बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये पूरी मीटिंग ही वैसे ही होने वाली है, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होने वाले है। तो क्या आप इसके लिए भी एक्साइटेड हो कि ये छोटा पैकेट जो बड़ा धमाका होने जा रहा है, ये बड़ा धमाके के लिए आप एक्साइटेड हो? यस यस ग्रेट ग्रेट। तो हम हमारी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहे हैं। हम बैकबोन टीम को प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम सर को इनवाइट करेंगे तो डिजिटल क्लैपिंग के साथ म्यूजिक के साथ इनवाइट करेंगे। और ये जो सर है वो मैं उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो ऑलरेडी 17 इयर्स के हैं, वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो क्या आप इसके लिए ये यंग चैंपियन को सुनने के लिए आप एक्साइटेड हो? यस 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 एक्साइटेड मैं मुझे दिख रही है। तो चलिए हम सर को बुलाते हैं, डिजिटल क्लैपिंग एंड म्यूजिक। सर मिसेज नितिन सर, आप एक्साइटेड हो डिजिटल क्लैपिंग के साथ म्यूजिक के साथ? हेलो दोस्तों, हेलो, गुड आफ्टरनून। थैंक यू बेलिजा मैम, थैंक यू। मेरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इधर वेल्थ का प्रोग्राम। क्या आप सब रेडी हो? चैट बुक में रेडी रखो, रेडी टाइप करो जल्दी जल्दी, चैट बुक में रेडी टाइप करो जल्दी। इधर से आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं। बैकबोन टीम प्लीज शेयर द स्लाइड्स। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन कौन से स्टेट से इधर बैठे हो, और मुझे इंटरेक्शन चाहिए आप लोगों का साथ में। हम एक हाथ से तो ताली बजा नहीं सकते, मुझे आप लोगों का भी इंटरेक्शन चाहिए। ये ओडिशा, यूएसए, न्यू जर्सी, देख रहे हो आप सब लोग, ये इंटरनेशनल मीटिंग होने जा रही है। क्या आप सभी को स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रही है आप सभी को?
चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा कि आप लोग ने ये आपका कीमती संडे जो हमारे लिए निकाला है, पर मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसमें से कोई ना कोई तो फायदा हम जरूर दे के ही भेजेंगे। आप सभी को पता है हेल्थ ही हमारी रियल वेल्थ है। हमारे पूर्वज बोला करते थे हेल्थ के हेल्थ है तो सब कुछ है, वेल्थ के वेल्थ है तो हम कुछ ऐसे भी कर नहीं पाने वाले, हम इधर कुछ छोड़ के तो जाने वाले नहीं है। हमारी सच्ची हेल्थ है, वेल्थ नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। आप सभी को पता है क्या हमारी बॉडी कितनी कीमती है? हमारी बॉडी की आप वैल्यू कितनी लगा सकते हो? क्या चैटबॉक्स में कोई टाइप कर पाएगा कितनी बॉडी हो सकती है हमारी, कितने रुपीस में हम लिख सकते हैं अगर हमारी बॉडी को लिखना हो तो? यस 322 करोड़, 322 करोड़। यस, एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर ने ऐसा रिसर्च किया था, अगर हमारी बॉडी की एक एक पार्ट को अगर हम सेल करें तो उसकी कीमत कितनी आ सकती है? उसकी कीमत आ सकती है 322 करोड़। मीन्स आप सभी को पता चल रहा है अभी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी। ये बॉडी के बिना अगर एक एक भी पार्ट अगर हम इधर से सेल करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसमें हमारी बॉडी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देख रहे हो किडनी, 2 करोड़ की किडनी होती है हमारी। आइज देखो आप, 1 लाख की आइज है हमारी। ये इसमें से एक भी पार्ट अगर कोई ना कोई डैमेज हो जाए हमें कितना दर्द होता है, और इसको सभी को हमें हेल्दी भी रखना होता है। अगर एक भी पार्ट हमारी बॉडी का अनहेल्दी हो तो हम भी पूरे अनस्टेबल हो जाते हैं, पूरा दिन बिगड़ जाता है हमारा भी। अभी हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे नेचर की बात करते हैं। हमारे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ के, एक तो है एयर, वाटर और अच्छा सा फूड। इन तीनों में से अभी आपको लग रहा है कुछ भी हमें हेल्दी मिल रहा है? एयर की बात देखो, हमें कितना पॉल्यूशन झेलना पड़ रहा है अभी, हर जगह मोदी गवर्नमेंट ने अभी लगाया है, एयर प्यूरिफायर लगा रहे, वाटर प्यूरिफायर लगा रहे। जो कंपनी का वेस्ट निकलता है वो रिवर में जाता है अभी, हमारी वाटर को भी पॉल्यूट करता है। और फूड, फार्मर जो खेती करते हैं उसमें अभी पेस्टिसाइड भी डालते हैं, जो अभी फूड के साथ निकलती भी नहीं है, मीन्स वो पेस्टिसाइड भी हमारे अंदर जा रही है। सो अभी तीनों हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है। नेक्स्ट, हमारे पूर्वज कहा करते थे जल ही जीवन है, जल है तो हम जीवित है। पानी एक ऐसा मात्र है जिससे हमें हमारी बॉडी अच्छी हेल्थी रहती है, हमारी बॉडी फिट रहती है। जल ही जीवन है, हमारी बॉडी का 72% ऑफ बॉडी वाटर से बना हुआ है, पूरा वाटर से भरा हुआ है। मीन्स अगर हम देखें तो ब्रेन में 83% वाटर है, लंग्स में 85% वाटर है, स्किन में 65% वाटर है। ऐसे ही देखो तो हमारे बॉन्स में 22% वाटर है, आईज में 95% वाटर है। मीन्स अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो 72% ऑफ आवर वाटर है। पर हमें ध्यान किधर दे रहे हैं? फूड पे ध्यान दे रहे हैं, मीन्स कैसा फूड हम खाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं इधर कौन सा फूड हमें खाना चाहिए, हम खाते कौन सा है, जंक फूड खाते हैं ना, पर हमें खाना कौन सा चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, जो ग्रीन वेजिटेबल की हम बात करते हैं वैसा। नेक्स्ट, तो मैं इधर बात करने जा रहा हूँ एनर्जिक क्वायर। आप सभी का वेलकम है एनर्जिक कंपनी में। ये एक ऐसा डिवाइस है कैंगन वाटर, इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइनाइजेशन। माइक्रो क्लस्टरिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पानी जो होता है टैप वाटर वो 15-20 मॉलिक्यूल्स का होता है। जो हम अभी पानी रेगुलर पी रहे हैं आरओ वाटर या पीनो या टैप वाटर पीनो जो म्यूनसिपालिटी हमें प्रोवाइड करती है, वो 15-20 मॉलिक्यूल्स का पानी होता है। जब वो पानी हमारे मशीन में से गुजरता है तो उसको छोटा करता है वो पानी, मीन्स 4-6 मॉलिक्यूल्स का कर देता है वो पानी। जो वो 6 मॉलिक्यूल्स का हो जाता है तो हमारे सेल में घुसने के लिए वो इजीली एब्जॉर्ब होता है हमारे सेल में,
तो वो सेल में जब एब्जॉर्ब होता है तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट होने से बॉडी हमारी ज्यादा हेल्थी होती है, हेल्थी होती है। देख हम अभी एक लाइव एग्जांपल के बारे में देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। टू मिनट्स दिख रहे स्लाइड पे, वीडियो दिख रहा है हमारा? आप देख सकते हो इधर, इधर हम ले रहे हैं जीरा, हम बोलते हैं ना जीरा, उस जीरो को ले रहे हैं हम अभी। अब जीरो को डाल रहे हैं हम दो ग्लासेस में, थोड़ा थोड़ा जीरो डाला हमने। अब हम इसमें डालेंगे हमारा टैप वाटर या बोतल वाटर हम बोल सकते हैं, ये बोतल वाटर हम डाल रहे हैं एक ग्लास में। ये उसके साथ मिक्स हो रहा है अभी। अभी हम डालेंगे 9.5 हमारा जो कैंगन वाटर, ये हमने डाला दूसरे ग्लास में। आप देख सकते हो जो हमारा पानी जो है, जो 3-5 मॉलिक्यूल्स का है, वो अभी पानी के साथ मिक्स हो रहा है उसमें। और ये बोतल वाटर का पानी देखो, ये अभी ज्यादा घुल मिल नहीं रहा है जीरो के साथ। और ये कैंगन वाटर का पानी देखो, ये जीरो को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, मींस वो छोटा पानी है तो वो जीरो में एब्जॉर्ब हो रहा है, मींस उसका पावर है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो। थैंक यू। दिख रही है आप सभी को? हेलो, देखो आप सभी का मेरे को इंटरेक्शन चाहिए यार, आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आप सभी इधर कुछ सीखने के लिए आए हो। देखो इधर डॉक्टर विक्टर इन्होंने प्रूव किया है कि 15% ऑफ टैप वाटर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जो भी हम पानी पीते हैं उसमें से 15% ही सिर्फ एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि हमारा अगर कैंगन वाटर पिए तो वो 85-90% ऑफ एब्जॉर्ब होता है, मींस वो 6% मोर हाइड्रेटिंग वाटर है। तो हमें हाइड्रेटिंग वाटर पीना चाहिए। हमारा जो टैप वाटर पानी है वो 15% ही एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन के पहले हम ऑक्सीडेशन के ऊपर जाते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स रस्टिंग प्रोसेस, मीन्स कोई भी अगर आप बनाना ले लो तो वो अगर हम 4 दिन पड़े रहने देंगे तो वो काला हो जाएगा, मीन्स वो रस्ट होने लगेगा। जैसे कि एप्पल है, उसको हम आधा काट देंगे तो एक वो काला पड़ने लगेगा, मीन्स थोड़ा ही सेकेंड्स में काला पड़ने लगेगा। वैसे भी हमारी बॉडी में है, जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे ही वो ओल्ड होती जा रही है। तो हम एक लाइव एग्जाम्पल देखेंगे इधर। ओआरपी ऑक्सीडेशन रिजल्टेंट पोटेंशियल, जो माइनस ओआरपी में पानी आता है, जो माइनस ओआरपी में जो भी चीजें आ रही है, मींस वो ग्रीन टी है, विटामिन सी है, वेजिटेबल है, जो हमें बॉडी को हेल्दी रखने में आसानी करता है। और जो प्लस ओआरपी में है, जैसे कि जंक फूड है, अल्कोहल है, बॉटल वाटर है, टैप वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जो हमें प्लस ओआरपी में ले जाती है, मींस हमारी बॉडी को खराब करती है। जैसे कि देख रहे हो आप नेचुरल वाटर, मींस वो जीरो ओआरपी पे रहता है। अगर अभी अगर लाइव टेस्टिंग करेंगे हम, अगर वो पानी हेल्थी रहेगा और लाइव रहेगा तो उसमें चेंजेस आएगा, अगर उसमें डेड वाटर होगा तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ओआरपी इधर हमें इधर 3 ग्लासेस लिए और हम पहले डाल रहे हैं बोतल वाटर एक ग्लास में। इधर है टैप वाटर,
आरओ का पानी भी बोल सकते हैं आप, ये हमने दूसरे ग्लास में डाला। और अभी हम डालने जा रहे हैं कैंगन वाटर 9.5 पीएच। अब हम डालेंगे ओआरपी जो लिक्विड फॉर्म में है हमारा, ये ओआरपी की बोतल है जो लिक्विड फॉर्म में है हमने। अब इसको डालते हैं हम बोतल वाटर में, ये टैप वाटर में और कैंगन वाटर में। आप देख सकते हो जो अलाइव पानी है, मींस जो बोतल वाटर में है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, मींस वो डेड वाटर है। टैप वाटर में भी सेम है, डेड वाटर है। और देख सकते हो आप अल्काइन वाटर जो अभी अलाइव है, जिसमें अभी रिएक्शन दिख रहा है, मींस वो अभी अलाइव वाटर है, हेल्थी पानी है, नेगेटिव ओआरपी में। आप देख सकते हो इधर कैंगन वाटर में, देखो जो अल्काइन वाटर हुआ वो पिंक हुआ, जो मींस रिएक्ट हुआ पानी के साथ, मींस वो अभी हेल्दी पानी है। तीसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइनाइजेशन। हमने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि पीएच चार्ट हमें दिखाया जाता था स्कूल में, साइंस में। देख सकते हो 1 से 7 से लेकर एसिडिक गिना जाता है, 7 से 14 तक हम अल्कलाइन गिना जाता है, मींस हेल्थी, मींस 7th पीएच होता है जो न्यूट्रल होता है। अब हम देखेंगे प्लस ओआरपी। एसिडिक वाटर में हम देख सकते हैं एसिडिक सिकनेस में, मींस वो सिर्फ क्लोरीन आता है, बोतल वाटर आता है जो हमें नेगेटिव की ओर खींच के जाता है, मींस 1 से लेकर 6 तक हमें जो पीते हैं, मींस जो सोडा पीते हैं हम, वो सब हमें एसिडिक करता है, मींस सिकनेस की ओर लेके जाता है। जैसे कि कैंगन वाटर जो हमें 8 से लेकर 14 तक पिए तो हमारी बॉडी को अल्काइन करता है, मींस हेल्थी बनाता है। नेक्स्ट इधर हम देखने जा रहे हैं एक लाइव एग्जांपल पीएच के ऊपर। इधर हमने 4 बोतल लिए, एक सोडा ले रहे हैं हम, एक ग्लास में हम सोडा डाल रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो अब आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, पर अभी हम देखेंगे उसका क्या रिजल्ट आता है। ये बोतल वाटर, और ये टैप वाटर, आरओ का वाटर। और अब हम डालने जा रहे हैं 9.5 पीएच कैंगन वाटर। अभी हम डालने जा रहे हैं पीएच की लिक्विड फॉर्म में, जो पीएच है वो लिक्विड फॉर्म में है। अभी हम डाल रहे हैं उसको 2.5 पीएच में, ये बोतल वाटर में, ये आरओ के वाटर में, और ये अल्कलाइन वाटर में। आप देख सकते हो जो मैंने बोला था कि 6 to 1 पीएच तक जो रेड होता है, जो एसिडिक होता है, ये येलो हुआ, मीन्स ये भी एसिडिक है, ये वो टैप वाटर जो भी एसिडिक है। और ये देख सकते हो 9.5 पीएच जो ब्लू की तरफ जा रहा है, मीन्स वो 9.5 पीएच वो अल्कलाइन है। ये देखो पीएच चार्ट आया, देखो रेड येलो, ये 7 पीएच जैसा है, मींस जो हमें 6 to 1 पीएच तक लेके जा रहा है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक, और जो 7 to 11 तक लेके जा रहा है वो अल्कलाइन है। इस मशीन में 5 तरह के पानी निकलते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 पीएच, जिससे हम कोई भी एग्रीकल्चर फूड आइटम्स या कुछ भी वॉश करते हैं तो उसके ऊपर से जो पेस्टिसाइड होती है उसको रिमूव कर देता है। दूसरा है कैंगन वाटर 9 पीएच 9.0 पीएच 8.5 पीएच, जो कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए ज्यादा यूजफुल है। क्लीनिंग वाटर, जो बेबी जब बॉर्न होता है, जब जो मेडिसिन देखते हैं हमें, वो 7 पीएच, अगर वो पानी अगर बेबी को पिलाए वो सेम ही होता है, 7 पीएच का पानी। ब्यूटी वाटर 6.0 पीएच, जो हमें नहाने के लिए या हेयर वॉश करने के लिए इजी रहता है, ये हमें हमारी बॉडी को ज्यादा ग्लो करता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, हमने कोरोना में बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज किया है, इसका जो पीएच लेवल होता है वो 4 पीएच होता है, 4 to 3 पीएच, वो हमें ज्यादा यूज करने पे हानिकारक भी हो सकता है। पर अगर हम 2.5 पीएच अगर ये वाटर यूज करें तो उससे ज्यादा बैक्टीरिया मारता है और ये कोई भी हानिकारक नहीं है, मीन्स उससे डेटोल से या कोई भी सैनिटाइजर से
हमारे 2.5 पीएच एसिडिक वाटर ज्यादा हेल्थी है, मींस वो हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट, अभी हम हर रोज खाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो हम हर रोज खाते हैं, और जो फार्मर अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं फार्मिंग में, उसमें ज्यादातर अभी हम लिक्विड फॉर्म में पेस्टिसाइड उसके ऊपर डालते हैं, जिससे कीड़े या कुछ उसके ऊपर लगे ना और डैमेज ना हो कोई भी सब्जी। पर अगर वो हम सब्जी डाल रहे हो, केमिकल डाल रहे हो सब्जी पे, तो वो उसमें ही रहता है, मीन सब्जी पे चिपका रहता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में निकलता नहीं है। जब हम उसको धोते हैं तब वो थोड़ा सा निकलता है, मीन्स उसका पेस्टिसाइड अभी भी उस तरल फूड में है। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कि वो क्या हानिकारक है, कैसे रीते हम निकाल सकते हैं, मीन्स अगर हम 11.5 से अगर उसके धोते तो वो जो भी पेस्टिसाइड है वो उसको निकाल देता है, उसको रिमूव कर देता है, मीन्स हमारे फ्रूट फूड को वो स्ट्रॉन्ग बना देता है। देखो आप देख सकते हो इधर टैप वाटर में हमने टोमेटो डाला और 11.5 डाला, तो थोड़ी देर के बाद जो पेस्टिसाइड है वो निकल गई 11.5 पीएच में, जो मशीन का पानी है जिसने निकाल दिया स्ट्रॉन्ग एंगल वाटर में। और 9.5 में आप देख सकते हो उसमें पेस्टिसाइड नहीं निकला, मीन्स वो अभी भी पेस्टिसाइड उसके अंदर ही है। इसमें जैसे कि अगर ये लेडीज फिंगर को ले ले, इधर स्ट्रॉबेरीज को ले ले, इस सब में आप देख सकते हो कोई भी ना कोई पेस्टिसाइड निकली है, जो फार्मर ने ग्रो के लिए सब्जी ग्रो करने के लिए पहले डाली थी। इधर हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इधर जो वो पेस्टिसाइड डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, मीन्स अगर हम इधर हम तिल का तेल ले रहे हैं, जो भी अगर वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है तिल का तेल। आपको पता है तेल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है, मीन्स वो कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। ये रहा हमारा लिक्विड फॉर्म का तेल, तिल का तेल, दोनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं। अब हम डालते हैं बोटल वाटर, हम ऐसे ही टैप वाटर या बोटल वाटर से साफ करते सब्जी, ये उसमें हमने डाला। ये देख सकते हो आप, जो तिल का तेल है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ओके, अब हम डाल रहे हैं 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, देख सकते हो आप इधर ये तेल को फाड़ देता है पूरा, मीन्स वो जो भी पेस्टिसाइड होती है उसको निकाल देता है सब्जी में से। आप देख सकते हो ये कितना अमेजिंग वाटर है, आपने कंपेरिजन देखी है। देखो ये पानी फ्लोट कर रहा है बोटल वाटर पे, लिक्विड फॉर्म में जो तिल का तेल हमने डाला था वो फ्लोट कर रहा है, और 11.5 में उसको फाड़ दिया पूरा तिल का तेल को, मींस जो सब्जी हमें फ्रूट में या सब्जी में हमें देखने जाती है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में निकाल देता है उसको। नेक्स्ट, ये कुछ पेपर्स का है, देखो पेस्टिसाइड का पेस्टिसाइड पाक शाक भाजी फल फ्रूट कोठर पर जहरी, मींस जो भी हम जो फार्मर डालते हैं जो पेस्टिसाइड डालते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट, ये हमारा मशीन का प्रोसेसिंग वर्क है, इसमें 7 से भी ज्यादा प्लेट्स आती है। ये एक एग्जांपल है, ये पेटेंट कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स है जिसमें पानी पास होता है तो प्लस और माइनस के साथ निकल के ये एसिडिक वाटर को एक साइड निकालता है और एक कैंगन वाटर को एक साइड निकालता है। इसकी दोनों जो प्लेटें है वो प्लेटिनम से बनी है, और उसको एक ई क्लीनिंग सिस्टम भी है जो भी पेटेंटेड है, जो खुद अपने आप ही मशीन को हेल्थी और क्लीनिंग रखता है। नेक्स्ट, आप सोच रहे होंगे क्यों हम एनर्जी के ऊपर भरोसा करें, क्यों एनर्जी की, क्यों ये ब्रांड ही? तो ये ब्रांड इसलिए कि ये इसको मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है। आप सभी को पता होगा मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी हेल्थ इंपॉर्टेंट के लिए, मींस ये 6500 डॉक्टर से भी ज्यादा रिकमेंडेड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ है, और ये हमें डायरेक्ट सेल करता है जो कंपनी में से डायरेक्ट हमारे घर पे डिलीवर होता है। इसमें कोई भी रिटेलर या होलसेलर नहीं है बीच में, इसमें 5 ईयर की वारंटी आती है, और ये अभी कंपनी 48 ईयर से ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई भी केस इसके ऊपर नहीं है, कुछ इसके ऊपर एलिगेशंस नहीं है, ये पूरी सेफ एंड सिक्योर कंपनी है। और इसका जो मेन पॉइंट है जो है 11.5 पीएच और 2.5 पीएच, जिसके ऊपर ये कंपनी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको पार्ट देती है, और ये 15 to 25 ईयर्स की लाइफ स्पेन वारंटी गारंटी है इसकी। नेक्स्ट, ये कुछ डिसीज है जैसे कि ओबेसिटी है, प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, कॉन्स्टिपेशन है, माइग्रेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, ऐसे कुछ बीमारी है जिसको ये ज्यादातर निकाल देता है, मीन्स उसके आने से हमें बचाता है। ऐसे ऐसी बीमारी को जापान ने कोरिया ने रिसर्च में दिखाया है कि ये निकल जाती है। नेक्स्ट,
ये कुछ सर्टिफिकेट है जो एनर्जी को मिला है, देखो ये आईएसओ सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, ये वो सर्टिफिकेट है जिसको वाटर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स ये हर 3 साल से या 4 साल में हमें दूसरा निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें वाटर क्वालिटी देखना पड़ता है। नेक्स्ट, ये हमारी कंपनी में 6 प्रोडक्ट, एक JR4 जो 4 प्लेट का होता है, 2 78 का प्राइस है फुल है, SD501 7 प्लेट का जो 2 77 का है, SD501 प्लेटिनियम, इसके जो पूरी बॉडी है प्लेटिनियम से भी नहीं बनी हुई है, 2 97 का K8 8 प्लेट का है जो 3,43,000 का है, सुपर SD501 जो ज्यादातर शॉप्स पे या हॉस्पिटल में ज्यादातर यूज होता है, जो 12 पेट्स का होता है और 3,97,000 का है, और NSPA जो शावर मैंने पहले बोला था, ब्यूटी वाटर या NSPA निकालता है जो हमें शावर के लिए यूजफुल होता है, जो 2 लाख का है। थैंक यू, आप सभी को कुछ ना कुछ तो इधर से मिला होगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आपको जिसे ने बुलाया था उससे आप कृपया करके कॉन्टेक्ट करें। मीन्स अब आप चैट बॉक्स में टाइप करें, क्या आप सभी को इधर से कुछ ना कुछ जानकारी मिली? थैंक यू, ओवर टू बेलिजा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, थैंक यू सो मच। तो हमने जाना हेल्थ के बारे में कि कैसे हेल्थ हमारी सकती है, तो अभी अभी हम जानेंगे कि किन किन लोगों के पास ऑलरेडी मशीन है और उन लोगों को रिजल्ट मिले हैं। तो प्लीज आप चैट में SH टाइप कीजिए ताकि मैं चूज कर सकूँ कि कौन 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 शेयरिंग देना चाहेगा अपना। यस, और मैं इसमें भी जो है वो यंग चैंपियंस को ही चूज करूंगी क्योंकि ये पूरी मीटिंग यंग चैंपियंस में है। तो प्लीज आप अपनी चैट में SH टाइप कीजिए। सोनल मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। यस सोनल मैम, हेलो हेलो मेरे इनर्जिक फैमिली मेंबर्स, मेरा नाम हिमांशी और मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे आज कुछ हेल्थ के बारे में शेयरिंग करना है। मुझे जन्म से ही हाथ पैर और गर्दन पे रैशेस हो जाते थे, बहुत सारे डॉक्टर्स से दवाई और क्रीम ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं होता था। फिर हमारे घर पे कैंगन डिवाइस आया, फिर मैंने लाइव पानी पिया और स्प्रे किया, आज मेरे हाथ पैर और गर्दन बिल्कुल क्लीन है और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। सो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच। वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग। अब ऐसा ही धमाकेदार और एक रिजल्ट लेंगे तो प्लीज फिर से SH टाइप कीजिए चैट में। Yes. 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 Okay, तो मैं यहाँ पे अभी अभी यहाँ अभी करेंगे। ओके, तो वो अभी नहीं लगता है, तो इसलिए अभी हम एक और ले लेते हैं शेयरिंग, फिर से दूसरा शेयरिंग ले लेते हैं अभी। यस ओके, तो मैं यहाँ पे भाविका मैम है, भाविका मैम को अनम्यूट किया जाए। SH यस, भाविका मैम को अनम्यूट किया जाए। हेलो, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग मेरी डॉटर है 17 साल की, उसको कोविड की वजह से पूरे फेस पे पिंपल्स आ गए थे, तो मैंने उसको ब्यूटी वाटर ट्राई किया, विद इन 10 days में उसको सारे पिंपल्स कम हो गए। जब पिंपल्स बहुत हुए थे तो मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी और मैंने पूछा था कि मुझे ये ट्रीटमेंट करवानी है, दाग नहीं जा रहे, तो उन्होंने बोला कि 60,000 से 70,000 का खर्चा आएगा, तो मैंने बोला ठीक है मैं करवा दूंगी। तभी मेरे घर पे कैंगन आया और मैंने ब्यूटी वाटर ट्राई किया, आज उसके फेस पे एक भी दाग नहीं है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट रिजल्ट। अभी हमने बात की हेल्थ के बारे में, तब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो जो है वेल्थ। तो वेल्थ मतलब पैसा किन किन लोगों को पसंद है, तो प्लीज आप चैट में पैसा टाइप कीजिए जिन जिन लोगों को पैसा पसंद है। जो मशीन है किंगन में एक बिजनेस प्लान भी है जो आपको समझाने वाला है पूरा बिजनेस प्लान, वो उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो अभी 16 इयर्स के है और उसका 11th क्लास चल रहा है और वो अभी फुल टाइम एनर्जिशियन है, तो क्या मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप डिजिटल क्लैपिंग के साथ म्यूजिक के साथ सर को इनवाइट कीजिए और हम डिजिटल क्लैपिंग के साथ पर्सनल इंटरव्यू को इनवाइट करने के लिए एक्साइटेड है, तो प्लीज चैट में यस लिखिए। यस यस हम सर कभी ऐसी पर्सनल इंटरव्यू को इनवाइट कर रहे हैं जो आपको वेल्थ के बारे में समझाने वाले हैं, तो यस हम सर को इनवाइट करते हैं। सर जय जोशी सर को इनवाइट कीजिए विद म्यूजिक और डिजिटल कैपिंग के साथ। थैंक यू सो मच बेलिजा मैम, मेरे पास आ रही है सब लोगों तक? यस सर। अगर आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, यस बेलिजा मैम ने तो बहुत ही बढ़िया मुझे इंट्रोडक्शन कर ही दिया है, तो मुझे अभी मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं तो मैं इस बिजनेस को लास्ट एक साल से कर रहा हूं। जब मेरी बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हुई उससे पहले मैं ये बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया था, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको आज वो चीज दिखाने जा रहा हूं कि जिस चीज ने मुझे ये बिजनेस करने के लिए मजबूर किया था, जिस चीज जो चीज वो जो ऐसी चीज कि जो चीज देखकर मुझे लग रहा था कि यही मेरा फ्यूचर है, राइट। तो उसी एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आप सभी लोगों से बात करने जा रहा हूं और उसकी सर एक्सक्यूज मी कनेक्शन की वजह से सर का कनेक्शन तो अभी नहीं चल रहा है, नेटवर्क इशू। मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि इस प्रोडक्ट से हम अपनी फैमिली को तो सीखे, प्रोडक्ट से इस कंपनी से आप कैसे वेल, क्विक रिप्लाई मुझे करिए चैट बॉक्स में, इसलिए मैं यहां से अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं। थैंक यू। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। थैंक यू। सो वेलकम टू द इनर्जिक बिजनेस प्लान। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी लोथी प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर से हम अपने सारे ड्रीम्स तो पूरे कर सकते हैं, हम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों के आशीर्वाद से कमा रहे हैं। क्योंकि आप जिसके भी घर पे ये प्रोडक्ट दे रहे हो उसके घर में से आपको ब्लेसिंग के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सो अचीव योर ड्रीम्स बाय पीपल ब्लेसिंग। आगे हम लोग बात करें तो बिजनेस के एडवांटेज,
यहाँ पे मैं आपको कुछ बिजनेस के एडवांटेज देने जा रहा हूँ। तो इस बिजनेस के अंदर हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट पे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमको सिर्फ प्रोडक्ट हमारे फैमिली के लिए बाय करना है, और बाय प्रोडक्ट हम इसमें से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह इस बिजनेस के अंदर हमको कोई स्टाफ नहीं रखना है, उस स्टाफ को कोई सैलरी नहीं देनी है, कोई स्टोर हाउस नहीं रखना है, कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी है, हमको कोई स्टॉक नहीं रखना है, राइट। और साथ ही साथ इस बिजनेस के अंदर हमें पूरी के पूरी व्हाइट इनकम मिल रही है टीडीएस कोटा की, इसलिए पूरा का पूरा ये बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस है। उसी के साथ मैं बात कर तो इनर्जिक बिजनेस मैसिव ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो 153 प्लस कंट्री के अंदर चल रहा है। मतलब कि आप जब अपना मशीन बाय कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको एक आईडी कोड मिल रहा है, और आईडी कोड के ऊपर से आप पूरे का पूरे 153 की प्लस कंट्री। आपको ये बात बता दूं, ये कोई एमएलएम या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, तो फिर पिरामिड सिस्टम नहीं है, ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, राइट। थैंक यू मित्तल सर फॉर बैकअप। थर्ड पेज पे चले जाइए प्लीज। ओके नेक्स्ट। यस माय डियर फ्रेंड, जैसे ही कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को तो पैटर्न किया है, उसी के साथ साथ कंपनी ने अपने बिजनेस प्लान को भी पैटर्न किया है कि ऐसा बिजनेस प्लान और कोई कंपनी कॉपी ना कर पाए। थैंक यू सो मच। कैसे हम आगे देखते हैं इस पूरे बिजनेस प्लान को। नेक्स्ट। तो मितुल सर ने आपको ये सारे के सारे जो मॉडल्स है वो दिखा दिए, उसमें से हमने दूसरा प्रोडक्ट SD501 जो वर्ल्ड बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी ने पूरा का पूरा बिजनेस प्लान पैटर्न किया है। तो आगे हम लोग देखेंगे किस तरह। तो यहाँ पे कंपनी ने बिजनेस प्लान पैटर्न किया है, और 38% वो कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है 8 पॉइंट में, मतलब पर पॉइंट की इनकम जो है वो 13,000 हुई, राइट। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं अगर मेरे किसी भी दोस्त राम को मशीन दे रहा हूं, तो यहाँ पे कंपनी मुझे पहले पॉइंट के अंदर 13,000 रुपीज दे रही है उस फैमिली को सिक्योर करने का रिवॉर्ड मुझे दे रही है, राइट। उसी तरह मैं दूसरा मेरा जो फ्रेंड है मानव, उसको मैं ये मशीन दे रहा हूँ, उसकी फैमिली को मैं सिक्योर कर रहा हूँ, तो दूसरे पॉइंट के अंदर कंपनी मेरे को उसी पॉइंट के अंदर कंपनी मेरे को वापस से 13,000 रुपीज दे रही है उस फैमिली को सिक्योर करने का, ये मुझे एक रिवॉर्ड दे रही है, राइट। उसी तरह मैं अपने किसी तीसरे दोस्त, जैसे कि मैंने मेरे दोस्त नीलेश को मशीन दिया, तो यहाँ पे कंपनी मेरा प्रमोशन करती है, मुझे 2A का रैंक देती है, और इस पॉइंट के अंदर मुझे डायरेक्टली 26,000 मतलब कि 26,000 रुपीस मिलते हैं। अभी उसी तरह मेरे इन तीन दोस्तों ने मिलके उनके ग्रुप में उनके फैमिली में और 7 मशीन दिए, और 7 और 10 टोटल हमारे 10 ग्रुप सेल हो गए। इस जगह पे आपका जो मशीन है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न हो रहा है। सो आप सोच लो दोस्तों कि ये प्रोडक्ट आप अपने फैमिली को तो सिक्योर कर रहे हो, उसी के साथ ही साथ आप और लोगों को इस चीज को बता रहे हो, और लोगों के घर पे ये चीज दे रहे हो, राइट। तो धीरे 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 आपने जो इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ 10 मशीन के अंदर आपका पैसा रिटर्न हो रहा है, राइट। तो आप सोच लो कि ये कैसा प्रोडक्ट है, कि जो प्रोडक्ट हम लोग ले तो रहे इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी हमको एक रिवर्ड के तौर पे, ब्लेसिंग के तौर पे हमको वापिस आ रहा है, राइट। सो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आपको ये एक इन्फॉर्मेशन जानने मिली और आपको ऐसा लगा कि नहीं ये चीज हमें करनी चाहिए और लोगों के घर पे ये चीज पहुंचानी चाहिए, तो प्लीज आप टाइप कीजिए कि नहीं हमें ये चीज करनी चाहिए। उसी तरह 10वें मशीन के बाद हम लोग कोई भी 11वां मशीन हमारे फैमिली रिलेटिव्स या फिर हमारे ग्रुप सर्कल में दे रहे, तो वहां पे उस पॉइंट के अंदर कंपनी हमको 39,000 रुपीस दे रही है, राइट। उसी तरह मैं आगे बात करूं तो इन्हीं 10 लोगों ने मिलकर और एक एक लोगों को दिया, तो टोटल हमारे 20 ग्रुप सेल हो गए, 21 मतलब कि 21वें मशीन पे हम लोगों को कंपनी 52,000 रुपीस पर मशीन पे दे रही है, और हमें कंपनी 4A का रैंक दे रही है। उसी साथ इन्हीं 20 लोगों ने मिलकर और 30 मशीन किए, हमारे टोटल 50 मशीन हो गए, 51 मशीन पे हमको कंपनी 65,000 रुपीस पर मशीन पर दे रही है। 50 से 50 लोगों ने मिलकर और एक एक लोगों का रेफरेंस दिया और उनके फैमिली को सिक्योर किया, तो हमारे 100 मशीन कंप्लीट हो रहे हैं,
और 101वें मशीन पे हमको कंपनी 78,000 रुपीस और 6A का रैंक दे रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप इनका कमीशन कैलकुलेट करके गिन लो, राइट। और जिन भी लोगों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये ट्रेलर ही दिखा रहा हूँ और इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, अगर आपको ये पूरा प्रूवन 122 CR का बिजनेस देखना है और हमारे साथ और लोगों की जिंदगियां बचानी है, राइट, जैसे ही आपने आज अपने फैमिली को सिक्योर किया, उसी तरह आप भी अपनी ज्यादा से ज्यादा फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो और बिजनेस के अंदर से लो इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, तो जिन भी लोगों ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, प्लीज मीटिंग खत्म होने के बाद उनको कॉल कीजिए और उनको थैंक यू कहिए और उनको बोले कि कल हम लोग मिलते हैं और ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान आपको जो दिखा है, राइट। सो थैंक यू सो मच बेलिसा मैम मुझे ये मौका देने के लिए और मेरी पूरी इंटायर टीम को कि मुझे ये मौका दिया प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू बेलिसा मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया। सर ने बताया कि ऐसा कोई आपके पास ऐसा बिजनेस है जिसमें नो रिस्क, जीरो इन्वेस्टमेंट, नो रेंट, नो सैलरी, कैसा बिजनेस है? नहीं कहिए ना, कैसा लौटा बिजनेस है जिसमें ये सारी चीजें नहीं है, तो क्या ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं? यस और नो? यस यस यस, ओके। तो ये जो मीटिंग ये आपने देखा वो तो सिर्फ हाईलाइट की पूरा जो मूवी है, बाकी है मेरे दोस्त। तो ये पूरा मूवी आपको जानने के लिए आप जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, तो प्लीज आप उन लोगों का कांटेक्ट कीजिए और सारी डिटेल्स में जान लीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों जूम में नहीं आप बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बिजनेस 122 करोड़ का है, इस वजह से ये जूम में नहीं हो सकता। क्या आप बताइए कि ये 122 करोड़ का बिजनेस जूम में बताया जा सकता है या नहीं? यस, नहीं बताया जा सकता। इसलिए आप जिन लोगों ने इनवाइट किया है जल्दी से जल्दी उन लोगों को लीजिए कॉन्टेक्ट और समझिए पूरा डिटेल। यस, तो हमने जैसे कि देखा कि द हेल्थ शेयरिंग लिया, वैसे ही अभी हम वेल्थ शेयरिंग लेंगे जिन लोगों के पास ऑलरेडी ऐसी करोड़ों की इनकम है। तो जल्दी से जल्दी अपने चैट में एसएच टाइप कीजिए। यस यस यस, मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने एसएच टाइप किया है, तो मैं यहाँ पे यस यस सर को इनवाइट करना चाहूंगी। यस सर को इनवाइट कीजिए। यस यस सर, थैंक यू सो मच बेलिसा मैडम, मितुल सर, जय सर। आप सभी को देख के सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे आजू बाजू है जो आज भी कहीं ना कहीं संकोच रखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन देने में या बिजनेस प्लान देने में। तो सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सालों से इस बिजनेस में हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दोनों चीज क्लियर करवाई। मेरा नाम यश है, मैं बेसिकली व्यारा से हूँ और मैं पिछले एक साल से इस बिजनेस में हूँ। और मैं अभी इस ये जय भाई ने जो बिजनेस प्लान दिखाया वहां मैं 5A क्रॉस कर चुका हूँ और बहुत कम समय में 6A भी क्वालिफाई करूंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई की, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरे साथ पढ़ने वाले जितने भी बंदे थे वो लोग जो आज पांच महीने में जो कमाते हैं वो मैं सिंगल महीने में कमा लेता। तो थैंक यू सो मच हमारे सभी यंग चैंपियन लीडर्स, और जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठ सकते हो डिटेल में जानने के लिए कि ऐसा कम टाइम में इतना सारी चीज कैसे बिजनेस के माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, वाव ग्रेट शेयरिंग। अभी मैं ऐसा ही अमेजिंग और ग्रेट शेयरिंग लेना चाहूंगी, तो प्लीज आप चैट में फिर से एसएच टाइप कीजिए ताकि मैं और एक शेयरिंग ले सकूं। यस मैं यहाँ पे वेसु कामानी को अनम्यूट करना चाहूंगी। यस
Vasu Kamal sir. Oh. Hello, am I audible? Yes, sir. Hello. मेरी आवाज आ रही है मैम? Yes, yes. Okay. Firstly, thank you so much for giving me a chance to share my thoughts. My name is Vasu Kamani और मैं 20 साल की मेरी एज है और मेरा अभी स्टडी चालू है फर्स्ट ईयर मास्टर इन डेटा साइंस फ्रॉम IIIT बेंगलोर एंड मैं पिछले 5 महीने से ये बिजनेस में एंगेज हूँ और मेरा करंटली रैंक 2A है। मैं वेल्थ शेयरिंग में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक ही ऐसा बिजनेस है जो मतलब आदमी को आदमी बनाता है और मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब मैं पहले बहुत ही ज़्यादा स्टैमर करता था, मैं Super 30 में भी जब शेयरिंग करता था तो बहुत ही ज़्यादा स्टैमर करता था, मतलब स्टडीज में तो पहले से ही अच्छे थे, मतलब KVPY दिया था तो 10 लाख स्टूडेंट में से आई गॉट 26th रैंक फ्रॉम होल इंडिया इन 2017, बट स्टिल आई यूज टू स्टैमर, मतलब लोगों को देख के मेरी बोली मतलब अटकने लगती थी। आज मैं मतलब पिछले 1 मिनट से शेयरिंग कर रहा हूँ, मेरा एक भी वर्ड्स मतलब स्टैमर नहीं हुआ है। तो ये बिजनेस देता है और कोई भी ऐसा और कोई बिजनेस नहीं है जिसमें मैं मेरे दोस्तों को मैं कोई भी पोस्ट हासिल कर लेता हूँ, मतलब आई जस्ट एज्यूम के पैकेज मिल गया, पर ऐसा कोई भी और बिजनेस नहीं है जिसमें मैं मेरे दोस्तों को मेरे जो और भी नज़दीक के रिलेटिव्स उनको मैं मेरे साथ में ले पाऊंगा कि चलिए हाथ पकड़ के चलिए मैं ये बिजनेस में यहाँ पे पहुंचूं, मैं आपको भी लेके आऊंगा। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अपने स्वार्थ में लोगों का भी कल्याण है और लोगों का भी ग्रोथ है, लोगों जो जिन लोगों को हम लेके आते हैं अगर उनका ग्रोथ होगा तो ही हम लोगों का ग्रोथ होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टू टीम NSIN Energetic Family, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ग्रेट अमेजिंग शेयरिंग, थैंक यू सो मच। अभी हम हमारे मीटिंग को एंड करते हैं तो यहाँ पे मैं सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगी, मितुल सर और दय सर को, कि उन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से हमें प्रेजेंटेशन दिया और इतनी अच्छी तरीके से हमें समझाया, इस वजह से थैंक यू सो मच टू ऑल टीम एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आपने अपना टाइम निकाल के इस मीटिंग में आए वो भी संडे को, इसीलिए थैंक यू सो मच टू ऑल लीडर्स एंड फैमिली एनर्जेटिक फैमिली, थैंक यू सो मच टू ऑल।